नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसा करने वाले पीएम मोदी इकलौते गैर कांग्रेसी नेता हैं। पीएम मोदी की हैट्रिक, सरकार की कैबिनेट तय हो चुकी है और सभी नाम लगभग साफ हो चुके हैं और इस बार उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में 9 मंत्री शामिल होने की संभावना है, जिनमें राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा जैसे पुराने चेहरे फिर से दिखाई देंगे, तो वहीं जितिन प्रसाद, कमलेश पासवान जैसे नए चेहरे भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। वहीं गठबंधन दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने तय हैं। संभावित मोदी कैबिनेट की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 से क्या समीकरण साधे गए हैं, किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है और कौन कौन से नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद होगा एक एक्सपर्ट पैनल भी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बस अपनी टीवी स्क्रीन के आगे से नहीं हटना है, क्योंकि मोदी 3.0 से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, खबर और तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 आप तक ला रहा है। तो संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है और इस बैठक में 100 दिनों के रोड मैप से लेकर आगे तक की चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को शपथ लेते ही काम पर जुट जाने का मंत्र भी दिया है और इस बैठक के बाद संभावित मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, वो आपको वो भी सुनवा देते हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदय पूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितने सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी, दोनों लोग। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूंगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं, बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। और अब चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आलोक वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, तो आज का दिन शपथ ग्रहण का है, आप लोगों का है, मोदी 3.0 का जो ऑफिशियल कार्यकाल है वो अब बस शुरू होने वाला है, क्योंकि आज शाम को मंत्री सभी शपथ ले लेंगे और आज हुई बैठक के बाद उनको कह भी दिया गया है कि शपथ ग्रहण के बाद आप लोग फौरन काम पे जुट जाइए। और खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है, अब क्या प्राथमिकताओं में रहने वाला है? आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है आलोक जी मेरी? जी, आवाज आ गई आपकी। तो 100 दिन के एजेंडे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संभावित मंत्रियों और सांसदों से चर्चा की है, तो इस 100 दिन के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है, आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले? देखिए, इलेक्शन लड़ने से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता तय कर दी थी, एक नया सपना लेकर के हिंदुस्तान आगे बढ़ना है, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की तरफ हमको ले जाना है। और आज का दिन निश्चित रूप से मील का पत्थर बनने जा रहा है, जब तीसरी बार माने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये ऐतिहासिक मौका होगा, जब जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई एक चेहरा, कोई एक भव्य चेहरा, बड़ा चेहरा देश के इस बड़े पद को संभालने जा रहा है, देश के परिवर्तन में अपना
नाम लिखाने जा रहा है, अपना अपना योगदान सिद्ध करने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, देश को आगे की तरफ ले जाना है, गरीबी से निजात पानी है, हर आदमी को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इस पर करना है, देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की अपनी एक सोच है, इस सोच को उन्होंने पिछले 10 सालों में दिखाया है और उसी सोच को वो लेकर के आगे की तरफ बढ़े। चलिए, तो आपने इस बात का जिक्र किया कि चुनावी रैलियों के दौरान मंच से जिन बड़े वादों को किया गया, जो मैनिफेस्टो में आप लोग लेकर के आए, अब फौरन उस पर काम शुरू करना है, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। रुक करते हैं अशोक यादव जी का। अशोक जी, आप लोग अब तक कह रहे हैं कि जरा सांसदों को संभाल कर रखो, पर अब तो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, 100 दिन के एजेंडे पर बात हो गई है, इतना ही नहीं 2047 के लिए विकसित राष्ट्र के विजन की भी बात हो गई है। देखिए आस्था जी, बात तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बात तो इन्होंने जब शुरू किया 2014 में, तो इन्होंने माँ गंगा को भी साफ करने की बात किया था। बात इनका बहुत है, इन्होंने जो भी एजेंडा आस्था जी इन्होंने आज तक बात की, हर एजेंडे को 2047 तक खींच के ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता कोई मंजूर नहीं है। जनता कहती है जो आपने 2014 में वादा किया उसका क्या हुआ, जो आपने 2019 में वादे किए उसका क्या हुआ। ये जब उन वादों की बात जनता करती है तो ये कहते हैं कि 2047 तक देखो आप, मोदी जी की वजह से देश का नाम रोशन हो रहा है। देखिए इस तरह की बातें अब जनता को पसंद नहीं है आस्था जी, और इसी वजह से जनता ने माननीय मोदी जी को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम किया है। आप भले कह दें कि हमको मैंडेट मिला, लेकिन अशोक जी रिजेक्शन कैसा हुआ? आप देखिए, ये रिजेक्शन सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के मुंह से निकल रहा है। जनता ने एनडीए की सरकार बनवाई, हाँ आंकड़ा जरूर कम किया लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी दी, एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना चेहरा चुना, तो ऐसे में आप बताइए कि रिजेक्शन कहां से है? देखिए रिजेक्शन, सबसे पहला रिजेक्शन तो मां गंगा ने किया। आप ये बताइए 2019 में जो माननीय मोदी जी जीते थे 4,79,000 वोटों से जीते थे, इस बार जीते 1,52,000 वोटों से, तो लगभग 3,27,000 काशी की जनता ने और माँ गंगा ने मोदी जी को रिजेक्ट करने काम किया है। अयोध्या से भगवान राम ने इनको रिजेक्ट करने काम किया है। अब इन्होंने भगवान राम को छोड़ करके क्या क्या भगवान जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं, तो ये देखिए ये किसी के सगे नहीं, ये न तो माँ गंगा के सगे हैं न तो भगवान राम के सगे हैं। कल अगर जगन्नाथ जी के अलावा कहीं और उनको लाभ मिलेगा फिर जगन्नाथ जी का नाम भूल के वो किसी और का नाम लेने लगेंगे। देखिए ये लोग ऐसे हैं आस्था जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से 2019 में आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू को सांसदों को तोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपको ये भी याद होगा कि नीतीश कुमार जी को कैसे अंदर अंदर डैमेज किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये दोनों नेताओं माननीय मोदी जी कहते थे ना विपक्ष मुजरा कर रहा है। आपको अभी उम्मीद है कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा पलाएगा कि वो सरकार को अनस्टेबल करके आपके साथ हो जाएगा? लेकिन जो मीटिंग हुई थी एनडीए के सांसदों की, उसमें तो जो जेस्चर्स हमने देखने को मिले, नीतीश कुमार तो ऑलमोस्ट पैर ही छू रहे थे प्रधानमंत्री के। जेस्चर तो नीतीश जी का आपने वो नहीं देखा है जब कहते कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करेंगे, ये वाला जेस्चर आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था कि जो माननीय मोदी जी कहते थे कि विपक्ष मुजरा करेगा, लेकिन जनता ने एक ऐसा माहौल बनाया आस्था जी, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मुजरा इन्हीं को नीतीश जी और नायडू जी के सामने करना पड़ेगा, पूरे जब तक सरकार चलेगी तब तक इनको मुजरा करना पड़ेगा इन दोनों नेताओं के बीच, अगर जहां मुजरे में कोई कमी हो। चलिए ठीक है, इस शब्द को हम छोड़ देते हैं, शब्द को छोड़ देते हैं। आज शपथ ग्रहण का दिन है, आज तो संविधान सबसे ऊपर है, एक बड़ा संदेश आज जाने वाला है, तमाम आस पड़ोस के जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष हमारे बीच में है, चर्चा बहरहाल जारी रहेगी। लेकिन मैं प्रभात त्रिपाठी जी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगी, और जो सवाल मैं पूछने जा रही हूं फिर ज्ञानेश जी इसी पर आपका भी रिएक्शन, और सवाल मेरा यह है कि आप मोदी सरकार 1.0 और मोदी सरकार 2.0 को अगर उठा के देखें, तो यही घड़ी जब इन दोनों सरकारों के ये टेन्योर के वक्त आई थी कि शपथ ग्रहण होने वाला है, कौन कौन मंत्री होगा, तो कयास लगाना बड़ा मुश्किल था, लोगों को नहीं पता होता था कि हमको मंत्री पद के लिए फोन आ जाएगा, लोग सरप्राइज होते थे कि उनको मंत्री का फोन आ गया, चुपचाप दिल्ली पहुंच रहे हैं, मीडिया में खबरें नहीं निकलती थी, लेकिन आज तो पूरी तस्वीर सामने आ गई प्रभात जी, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेश जी कि प्रधानमंत्री किसको संबोधित कर रहे हैं, कौन चेहरे हैं, कितनी पार्टी, कितने मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय। प्रभात जी देखिए 2014 और 2019 की बात अलग थी, क्योंकि देखिए मोदी जी के काम करने का एक स्टाइल बिल्कुल अलग है, उनके किसी नंबर दो नंबर तीन को नहीं पता है कि कौन क्या बनेगा। अब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो भी मंत्री जा रहे हैं, जिसमें लगभग 8 लोकसभा प्रत्याशी हैं और 1 राज्यसभा से हैं हरदीप पुरी, इनको मंत्री बनाया जा रहा है, और सारे कील कांटे दुरुस्त किए हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के हिसाब से एक दलित को भी, कुर्मी को भी, ब्राह्मण चेहरा भी, चाहे वो जतिन प्रसाद हो, और जिस तरीके सारी चीजों को एक समावेश करके और जो मंत्री का स्वरूप बनाया गया है
देखिए मोदी जी के काम करने की शैली जो थी वो रहेगी, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे भले उनको भारी मैंडेट ना मिला हो, लेकिन काम उनके करने की शैली वही रहेगी। क्योंकि मोदी जी जो सोचते हैं, उनका जो विजन है, जो उन्होंने आज अभी चाय पे बुलाया और कहा कि हमें 100 दिन का एक रोडमैप तैयार करना, और सबको उन्होंने बड़ा इंडिकेट किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के साथ अगर सहयोगी दल टीडीपी और नीतीश कुमार के लोग हैं तो मोदी जी कोई दबाव में आ जाएंगे। सरकार जितने भी दिन चलेगी बहुत अच्छी चलेगी। और आज सरकार का शपथ समारोह हो रहा है, जैसा कि आपने कहा 8 राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। आज हमें गिला सुखवा और आज आरोप प्रत्यारोप नहीं करने, आज हमें ये देखना है कि हमारी 3.0 की जो सरकार बन रही है वो हमारी सरकार भारत के लिए, भले मैंडेट कब मिला है, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया है सरकार बनाने का। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी समीक्षा होगी वो निश्चित तौर पे आने वाले समय की बात है। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां से जो भी चेहरे बघेल का हो चेहरा, या जतिन प्रसाद का हो, या भानु प्रसाद वर्मा का हो, ये सारे चेहरे बहुत अच्छे चेहरे हैं। और एक नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि 3.0 की सरकार है जी। ज्ञानेश जी, अब आपका रेस्पॉन्स, पहले तो कभी इस तरह किसी ने तस्वीर नहीं देखी थी दोनों कार्यकालों में कि कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कोई खबर ही नहीं आती थी। आस्था, मैं इसको देखता हूं कि लोकतंत्र मतलब अब दिखने लगा है, खबरें अब आने लगेगी अपने आप लगेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब सरकार बनी थी तो खबरें आती थी, 2019 के बाद से खबरें आना बंद हो गई। और इस बार चूंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको बधाई हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस बार के चुनाव में किसको जीत मिली है। जीत तो दोनों दावे कर रहे हैं, दोनों लोग खुश हैं, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी जीत मिली है वो है जनता की जीत हुई है। और समझना पड़ेगा मोदी सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है, क्योंकि वो पुराने कलेवर को जारी रखना चाहते हैं, वो अपना ऑरा को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे ही मंत्री को कामकाज दे देंगे उसके बाद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि सरकार कैसे चले, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है। नीतीश कुमार और नायडू दो ऐसे सहयोगी हैं जिनके बारे में कुछ भी दावा करना या कुछ भी कमेंट करना मतलब कि अपने आप को धोखा देने के बराबर। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखें तो 2014 में शादी हुई थी, 2019 में हनीमून चले गए मनाने के लिए, अब उनके सर पर जिम्मेदारी आ गई है, अब सरकार चलाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार को के पास आएगी और अब उनका असली परीक्षा होगी, देखा जाएगा कि वो कोलिशन गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। और लोकतंत्र में जो जनता की जो उम्मीदें होती है, जिसको लगभग एक तरह से हम लोग पिछले 5 सालों में या मीडिया की उम्मीदें जो आप बता रहे थे कि खबरें नहीं आ रही थी, ये खबरें कैसे आ रही है बताइए। बीजेपी के नेता आज भी कुछ नहीं बता रहे हैं, ये कोलिशन पार्टी के नेता है जहां से लीकेज हो रही है उनकी तरफ से आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। मैं इसको लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात मानता हूँ। अब पत्रकार भी जिंदा हो जाएंगे, पत्रकारों पर सवाल कम उठेगा क्योंकि पहले खबर नहीं दे पाया था पत्रकार, तो ये बड़ा अचीवमेंट है मैं लोकतंत्र के हिसाब से देखता हूँ। देखिए जीत तो दोनों लोगों को ही है और हार भी दोनों को ही है अगर आप सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो, लेकिन सवाल उसका नहीं है। जनता ने सबको जिम्मेदारी बांट दी, आप ये कहिए सबको जिम्मेदारी बांट दी, कहीं मुद्दों के लिए संघर्ष दिया तो कहीं मुद्दों के लिए समय और सेवा का रास्ता दिया। आलोक वर्मा जी को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आलोक जी, खबर आ रही है कि जो 4 अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी, ये सोर्सेस से खबर है, जिनमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो विदेश मंत्रालय है वो शामिल है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत से मंत्रालय हैं जिनमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत उसकी स्पीड को एनहांस करने की बात हो रही है, तो ये जिम्मेदार मंत्रालय जहां पे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार के रिपोर्ट कार्ड में ऐड करने के लिए बड़ी बातें यहां से निकलती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी अब किस घटक दल के पास जाने वाली है? ये एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि यहां से आपकी जवाबदेही भी तय होगी कि क्या काम हुए हैं। बिल्कुल जवाबदेही तय होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 2-4 घंटे और है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे और आजकल में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि कौन कौन सा मंत्रिमंडल कौन संभालेगा, कौन पोर्टफोलियो कौन संभालेगा, सब सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश आगे बढ़ते रहना चाहिए,
जिस तरीके से 2014 में हम आगे बढ़े हैं पिछले पांच सालों में, 2014 के पांच सालों में और 2019 के बाद के पांच सालों में हमने क्रम से काम किया है। जो बड़े मुद्दे हिंदुस्तान के फिर से सुलटाने का काम किया है, उसे खत्म करने का काम किया है। कहां से हम जीते हैं, कहां से हम हारे हैं, कहीं जीते हैं, कहीं आगे बढ़े हैं, कहीं पीछे चले गए हैं। जहां पीछे चले गए हैं निश्चित रूप से उसकी हम समीक्षा करेंगे। जहां के लोगों ने कुछ जगहों पर हमारा साथ दिया, कुछ ऐसे प्लेस थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जहां हम नहीं थे, आज हम पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि कहां पे जीते कहां पे हारे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज के बाद देश किधर की तरफ जा रहा है। जो सपना लेकर के सब चले हैं, सबका साथ सबका विकास, जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये देश सबका है, हमारा भी है, विपक्ष के नेताओं का भी है, साथ मिलकर के चलेंगे। जो अच्छी चीजें हैं मुझे लगता है कि वो सबकी अच्छी चीजें होंगी, सामने रखी जाएंगी और निकल करके जो चीजें आएंगी उससे देश आगे की तरफ बढ़ेगा। असली मकसद ये है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल है ये मायने नहीं रखता। ठीक है, अशोक यादव जी, कहा यह जा रहा है कि कामकाज पर फैसले लेने का जो ताकत या तेवर है उस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। 3.0 में अगले 100 दिन के रोड मैप की भी चर्चा हुई है और 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात थी उस पर भी अभी तक कायम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी सांसदों से चर्चा के दौरान ये बातें कही हैं। देखिए, सिर्फ एक औरा बनाने का एक इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि फैसलों पर कोई समझौता नहीं होगा, जो मोदी जी चाहेंगे वही करेंगे। देखिए पूरा, देखिए जनता ने जब स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी को आलमाइटी देखना नहीं चाहती। अगर मोदी जी आलमाइटी हो जाएंगे तो जिस तरह से उन्होंने 10 साल में सबको रौंदने काम किया, फिर रौंदेंगे। जनता ने इनको, चूंकि नारे थे इनका, अभी हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सबका साथ और सबका विकास अब जाके होगा, जब 2024 में जनता ने उनको इस लेवल पे लाके पटक दिया है कि बिना सबका साथ लिए आप एक कदम नहीं बढ़ सकते, अब सबका साथ सबका विकास अब जा करके होगा। अभी तक तो सबका साथ सबका विकास इन नारों में लगाते थे, आज जनता ने सिद्ध कर दिया है। मैं उस जनता को प्रणाम करता हूं कि जो इनके अंदर जो एक अहंकार आ गया था माननीय मोदी जी के अंदर, उन्होंने जो आप ही के जो पत्रकार साथियों के सामने कहा था ना कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो इससे बड़ा अहंकार मुझे लगता है आस्था जी आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके मन में ऐसी भावना जगी हो कभी कि वो प्रभु का अवतार है, वो भगवान का अवतार है। तो अगर कोई नेता अपने आप को ये महसूस करने लगे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की हो जाती है कि उसको एहसास कराए कि तुम भगवान नहीं हो, तुम सेवक हमारे हो। और आज जनता ने एहसास कराया है मोदी जी को, और बाकायदा उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से और उनके जो दंभकारी उनका चेहरा था उन चेहरों में झलक आ रही है कि अब जो है वो जनता के आदेशों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ठीक है जी, प्रभात जी, आप देखिए विपक्ष का कॉन्फिडेंस और उसके हौसले बुलंद है। वो अभी भी इस होप में है कि TDP और JDU पूर्व में कांग्रेस के साथ भी सरकार में शामिल रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष कह रहा है और आगे भी कहता रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद कई राज्यों में चुनाव होंगे, यूपी में भी विधानसभा का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सीटों की संख्या के लिहाज से करें कि एक कमबैक किया है, अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, समीक्षाएं हो रही हैं और इसे बहुत सीरियसली लेना होगा। नहीं आस्था जी, देखिए निश्चित तौर पे देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, उसको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, जनता जो परेशान थी, जो जो मुद्दे थे उस मुद्दों को समझाने में अखिलेश यादव नीचे स्तर तक कामयाब हुए, युवाओं का उनको बहुत बड़ा एक समर्थन मिला। और जिस तरीके से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, और 37 सीटें लाना किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जो इसके पूरे संस्थापक थे श्रद्धेय मुलायम सिंह, वो 2004 में 32 सीटें ला पाए, तो 37 का जनादेश एक देश के अंदर एक बड़ा जनादेश है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि जैसे अभी हमारे अशोक यादव कह रहे थे, चलो आप खुश हैं इस बात पे कि मोदी का पावर कम हुआ, लेकिन अब आपको भी अपना परसेप्शन बदलना होगा, आपको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है। आपके जो आपका जो परसेप्शन है प्रदेश के अंदर, उस परसेप्शन को आपको बदलना पड़ेगा। परसेप्शन दमीन्स मेरा कहने का यह है कि अब आपको बड़ा समझ के चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो उत्तेजना में एक बड़े जनादेश के साथ आप अपना 2027 का ग्राफ खराब कर रहे हैं, क्योंकि 2027 ही आपका लक्ष्य है। अब 2024 में कहां कौन पलटी मारेगा, कब सरकार बनेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो 2027 है। 2027 में अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको जिस
जिन जिन वर्गों से समर्थन मिला है, युवाओं से, महिलाओं से या आप व्यापारियों से। बिल्कुल, एक बार फिर उन तक संदेश पहुंचाना जरूरी होगा क्योंकि मेरे पास लास्ट एक मिनट का वक्त बचा है। मैं चाहूंगी ज्ञानेश जी इस पर अपना कमेंट जरूर करें। ज्ञानेश जी, अब जो आंकड़ों के लिहाज से स्थिति बनकर उभरी है केंद्र में, अब इनका विधानसभा चुनावों पर आप किस प्रकार का असर देख रहे हैं? अलग अलग स्टेट्स में होने हैं चुनाव। इस बार के यूपी के विधानसभा का अगर आंकड़े को देखेंगे आप, 217 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार इंडिया गठबंधन के आगे रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय होगा बीजेपी के लिए, पहली बात। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में किन विधानसभा में आपका एनडीए जो है यानी बीजेपी पिछड़ी हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में टर्नआउट कर सकता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि मोदी सरकार का ये तीसरा शपथ है, बिल्कुल अच्छी बात है और ये देश के लिए भी अच्छी बात है कि एक सरकार आ गई है, कम से कम वो पहले की तरह स्थिति नहीं है। लेकिन अब कैमरा का फोकस सिर्फ मोदी जी नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा देश के लिए। कैमरा का फोकस नीतीश जी और नायडू पर चला जाए, ठीक है। और ये आपको लग रहा है कि ये स्थिति जो है ये लंबे वक्त तक बनी रहेगी कि कैमरे के फोकस, मतलब ये जो थ्री विंडो है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये थ्री विंडो जो है वो बार बार चर्चा में आती रहेगी। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।